मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही बल्कि एक यूज़फुल टिप बता रही हूँ कि अक्सर हम किचन में कई तरह के एक्सेसरी का यूज़ करते हैं, तो अच्छी अच्छी छुरियाँ, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, तो एक इसमें सीजर भी होती है जिससे हम सब्जियाँ वगैरह काट सकते हैं, चीज़ें काट सकते हैं जो हमारे बहुत ईजी बना देती हैं हमारे काम को। बड़ा कई बार हमें पता तो होता है लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, तो मैं बेसिक होती है जो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी आपको। तो ये हमारे पास ऐसे हमने ये सेट लिए छुरी का, तो इसके साथ आपको मिल जाती है किचन की, नहीं तो बर्तन की दुकान में आम मिल जाती है, और ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकती हैं, इसको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं ये छुरियाँ। इसके कई तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, या आज आपको बताऊँगी इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इसे हम सब्जियाँ भी काट सकते हैं और हम कई तरह के इसके प्रयोग में आपको बता रही हूँ, ब्रेड वगैरह भी काट सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर हरा धनिया आपने किसी सब्जी वगैरह में या किसी में डालना है तो आप जो है चॉपिंग बोर्ड या छुरी से काटेंगे तो वो आसानी से नहीं कट पाएगा। तो आप ये देखिए मेरे पास हरा धनिया है, थोड़ा लंडी समेत है, तो हम इसको काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे हम इसको, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हम काटेंगे इसको, बड़ी आसानी से भी कट जाएगा। इसी प्रकार मेथी वगैरह, पालक वगैरह, आप पत्तेदार सब्जियां इससे काट सकते हैं। वैसे हम काटने लगेंगे तो डंडियां वगैरह में बड़ा टाइम लग जाता है। इसी प्रकार हमारे पास हरी मिर्च है, ये देखिए हरी मिर्च काटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है हाथ से, आप इसको बारीक बारीक काट सकते हैं कैंची से और बड़ी जल्दी से कट जाती है। इससे काटने से एक फ़ायदा ये है कि एक तो आपके हाथों पे लगेगी नहीं, जलन नहीं होगी, आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, स्लिट में भी काट सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता रही हूँ, ये बीन्स वगैरह होती हैं जो सब्जियाँ होती हैं, बीन्स होती हैं या मूंगरे टाइप होते हैं, तो उसको हम कैसे काटें, तो हम इसकी आगे पीछे के लिए काट के, ये देखिए ये मेरे पास बीन्स हैं, हमें दिखाने के लिए आपको काटें, इसको आप बारीक बारीक काट सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए बीन्स काट ली। इसी प्रकार जैसे भिंडी है, ये देखिए आगे पीछे से आप काटिएगा, तो ये आप फटाफट काट सकते हैं इसको, ना आप पक्के हाथ गंदे होंगे, ना लेस लगेगी इस पर ना कुछ, ये देखिए। इसी प्रकार मैं दूसरी भी आपको काट के दिखा देती हूँ, अब आपको मैं बता रही हूँ कि लहसुन हम कैसे काटें। ये मेरे पास लहसुन छिला हुआ है, तो जब आप वैसे चॉपिंग बोर्ड में भी कर सकते हैं लेकिन आपने जल्दी में है तो आप इसको अगर तड़का लगा रहे हैं या चाइनीज़ में डालें तो बारीक भी काट सकते हैं इसको ऐसे। ये देखिए मैंने लहसुन भी काट दिया इससे। अब जैसे हम ये ब्रेड रोज़ हम रोज ही करते हैं, तो क्या होता है कि हम छुरी से तो इसके साइडें निकाल लेते हैं, सैंडविच बनाते हैं, तो अगर आप कैंची से काटेंगे तो बड़ी इजीली कट जाती है। ये देखिए तो टाइम की भी बचत होती है, ये देखिए बिल्कुल। अगर आप सूप में इसके क्रोटॉन बनाना चाहते हैं और काटना चाहते हैं तो वो भी आप ये ऐसे करके काट सकते हैं। इसको ट्रायंगल में भी आप काट सकते हैं ब्रेड को। ये देखिए मैंने इसके ये क्यूब्स भी काट लिए हैं ब्रेड के, और ये हमने ट्रायंगल में या स्क्वायर में कैसे भी आप काटना चाहें
ये काट सकते हैं कैंची से। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में अक्सर दूध आता है पैकेट्स में, या कोई भी आप सामान लाते हैं राशन का वो पैकेट्स में आता है, तो बड़े इजी हो जाता है कि जब हम उसको कैंची से काट के एकदम खोल लें पैकेट को। ये देखिए मेरे पास ये सूजी है, मैं इसको स्टोर कर दूँ, ये देखिए आटा और फटाफट डाल दूँ। अब आप छुरी ढूंढेंगे या साड़ेंगे तो उस पर टाइम लग जाता है। इसी प्रकार हम छोटा वाला भी कोई पैकेट हो या दूध का हो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत यूजफुल होते हैं और बड़ी लाइफ को ईजी बना देते हैं। ये देखिए फटाफट काट लें। और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, मटन वगैरह जो चिकन होता है जो बोनलेस, उसको भी आप स्लाइस कर सकते हैं, छोटे छोटे काट सकते हैं क्यूब्स में, तो बड़ी आसानी से कट जाते हैं। इसी प्रकार आप जो पतली जो सब्जियां होती हैं बीन्स टाइप, उसको भी बारीक बारीक आराम से काट सकते हैं। और जो हरा प्याज होता है मोस्टली वो काटना मुश्किल होता है, उसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो कैंची से काटेंगे तो बहुत जल्दी कट जाएंगी। अब मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये आपकी छुरी की सॉरी कैंची की धार अगर तेज ना हो, थोड़ी झुरझुरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अल्मोनियम फॉइल हो जो यूज़ की हो या वैसे भी हो, तो ऐसे आप उसको फोल्ड कर लें तीन चार उसमें। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको कैंची से इसको काटेंगे ऐसे। अब जितनी बार काटेंगे उतनी बार ये तेज होती जाएगी। इसको 15 दिन में एक बार ऐसे अल्मोनियम फाइल अगर यूज़ की हुई आपके पास है उससे काटेंगे, एक तो आपकी अल्मोनियम फाइल यूज़ हो जाएगी, एक आपकी ये जो कैंची की धार है वो भी तेज हो जाएगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके किचन का काम कितनी आसानी से होगा। इसी प्रकार ये देखिए वो तेज हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया ऐसे काटना हमने इसको। और इसको साफ करके जब आप यूज़ कर लें, साफ करके इसको रख दें और आपकी ये काफ़ी दिन तक चल सकती है। और ये देखिए मैंने आपको ये टिप्स बताएं, अगर आपको ये मेरी पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये फॉलो कीजिए ज़रूर, आपको बहुत काम किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।